मीरा के बारे में कहूँगा तो ये जो सोच थी ये कहीं टाइम से मेरे दिमाग में चल रही थी, और ख़ास करके मुंबई सिटी को अगर जो लिया तो मुझे ऐसा लगा कि मुंबई सिटी हमारे महिलाओं के लिए थोड़ी अनसेफ होती जा रही है। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज। मीरा के बारे में कहूँगा तो ये जो सोच थी ये कहीं टाइम से मेरे दिमाग में चल रही थी, और ख़ास करके मुंबई सिटी को अगर जो लिया तो मुझे ऐसा लगा कि मुंबई सिटी हमारे महिलाओं के लिए थोड़ी अनसेफ होती जा रही है, और यहाँ के जो रेप केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं, और जो वुमेन जो हमारी है, जो हम कहते थे कि मुंबई इज़ द मोस्ट सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, ये कहीं ना कहीं इस बात को थोड़ा कम होते जा रहा है। और इसी सोच से ये जो एक जो काल्पनिक जो चीज़ थी वो मेरे दिमाग में खटकी, और उसके बारे में फिर कुछ रिसर्च किया, और जब रिसर्च किया तो मैंने कुछ लड़कियों को पूछा ये बात, जो लेट नाइट्स काम करती है या जो लेट नाइट्स ट्रेन में जाती है, तो जब उनसे ये बात पूछी गई तो लोगों ने जो मुझे आंसर्स मिले महिलाओं से वो काफ़ी शॉकिंग और मुझे सरप्राइजिंग लगे मेरे खुद के लिए। जब उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग लाल मिर्चियाँ अपने पर्स में रखती है, हम पॉइंटर्स रखते हैं, तो इस किस्म की चीज़ें उनके सेल्फ डिफेंस के लिए जो रखना पड़ती है, तो ये बात मुझे खटकी, और इसी काल्पनिक से फिर मैंने ये स्टोरी राइटिंग स्टार्ट की और सोचा कि इसको किस तरह से आदमियों की तरफ पहुँचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाया जाए, ताकि ये जो अपराध है ये ना हो और लोगों की सोच चेंज करे। तो इसी काल्पनिक से ये मीरा की जो सोच हमारी पैदा हुई। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में कांड हुआ तो उसके बाद उसे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात की गई थी, कैंडल बहुत सारे लोगों ने मास्क में डाला था, फिर भी उसके बाद जो आंकड़े आए उसको देख के ऐसा लगा नहीं कि रेप केसेस रुके हैं। तो अब इस चीज को जैसे आप बता रहे हैं कि अवेयरनेस की तरह इस्तेमाल करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, तो प्लानिंग क्या है, किस तरीके से इसको आगे लेके जाना है, क्योंकि दर्शक सिनेमा घरों तक आए वो भी अपने हिसाब से बहुत बड़ा चैलेंज। बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि दिल्ली के बारे में तो हम कहते हैं, बट जब मैंने बॉम्बे के बारे में देखा अप टू 2013 या 14 तक जो रेप केसेस, नंबर ऑफ रेप केसेस खास करके साउथ मुंबई में जो रजिस्टर देखे तो करीबन 400 के करीबन रजिस्टर हुए, और वो जाके अभी पहुँचे हैं करीबन 700 के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो बढ़ रही है तो हमें लोगों की सोच बदलनी है। मैं कहूँगा कि जो सोच बदलती है तो
तो हर चीज़ बदलती है। हम कहते हैं कि एजुकेशन द्वारा यह सोच बदलती है और ज़्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट हो, और ये जो सोच है सिनेमा बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है रोल, और सिनेमा के द्वारा हमने सोच बदलने की कोशिश की है ताकि ठीक जो महिला है ये भी खाली मीरा, हर 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 लड़की में एक मीरा हो सकती है, हर लड़की अलग अलग तरीके से सोच सकती है, इसी मूवी में ये दिखाया है। क्योंकि कोई लड़की हर लड़की का एक एक्शन के ऊपर अलग रिएक्शन हो सकता है, तो हमने सोचा कि मीरा का रिएक्शन होना क्या चाहिए, वुमेन का असली रिएक्शन होना क्या चाहिए, तो इस तरह से इस मूवी में मीरा के द्वारा हमने असली रिएक्शन क्या होना चाहिए ये प्रयास करके बताया। आपसे एक बड़ा सवाल है प्रोड्यूसर होने के नाते, हम देखते हैं कि जब कोई बड़े फेस लाइक नाम लेना चाहते हैं अक्षय कुमार है, वो ट्रैफिक सिग्नल की बात करते हैं या वो पैड की बात करते हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर, बहुत ज़्यादा जागरूकता आती है, लेकिन फ्रेश चेहरे के साथ में कहानी कहना कितना लगता है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी में? देखिए, हमने जो इम्पोर्टेंस दिया गया है वो कंप्लीट इम्पोर्टेंस दिया गया है द कैरेक्टर ऑफ अ वुमन प्लेड इन द फिल्म। तो मीरा एक कहानी उस वुमन की है जो केवल सिर्फ बड़े घरों में नहीं रहती है, वो एक आम जिंदगी भी जीती है। और जब आम जिंदगी के बारे में बात करें तो हमें लगा कि वी विल हैव टू प्ले अ रोल ऑफ अ कॉमन गर्ल जो मुंबई जैसे शहर में आती है। तो मीरा कैरेक्टर केवल इट नॉट अबाउट अ गर्ल हु इज़ बॉर्न इन मुंबई, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ गर्ल जो अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आती है। और जैसे कहा गया है कि मुंबई एक सपनों की नगरी है और इस सपनों की नगरी के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि शायद कहीं ना कहीं क्राइम रेट के कारण से दे आर गेटिंग ट्रैप्ड। तो हमें ये लगा कि मीरा कैरेक्टर प्ले करेंगी कोई कॉमन गर्ल विच विल एक्चुअली बी समथिंग रिलेटेड टू अ कॉमन गर्ल इट्सेल्फ इन मुंबई सिटी।